नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज निश्चय बैच के अंतर्गत छंद पे चर्चा करेंगे। और इसमें हम आपको महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। इसमें अगर आपको PDF और नोट्स प्रश्नोत्तरी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल पर। मैं प्रभात मिश्र आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम से कम 3 अंक के प्रश्न यहाँ से अवश्य आते हैं, तो इसलिए आपको बड़े सावधानी पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना है। और मात्र फ्री का नंबर है, कुछ अंकगणितीय कार्य करने होंगे, मात्राएं वर्ण गिनने होंगे और आपको ये चैप्टर आसान हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। छंद पे चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नों के माध्यम से हमने ये चैप्टर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। पहले तो इस प्रश्न को देखने से पहले आप ये जान लें कि छंद होता क्या है। एक थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, छंद होता क्या है। छंद को हम उर्दू भाषा में अगर कहेंगे तो हम बहर कहेंगे या हम इसको कहेंगे मीटर, ठीक है। एक मापक, मापक जो क्या करता है, छंद यानी काव्य को बांधने का काम करता है। छंद का अर्थ क्या होता है अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है बांधना, बांधना। तो बांधने का काम करता है कविता को, काव्य को, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित तुक, लय, छंद, ताल के साथ में बांधने का काम करता है। उसको हम उर्दू भाषा में बहर कहते हैं, अंग्रेजी में मीटर कहते हैं, हिंदी में मापक रूप से कहते हैं और बांधने के शब्द के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। तो काव्य के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, पद्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और इसको अगर हम चर्चा करें तो कुछ छंद हमारे शास्त्रीय पद्धति से हैं। अगर हम आधुनिक काल की कविता की बात करें तो हमने एक मुक्त छंद की चर्चा की, और मुक्त छंद जो है वह भी एक प्रकार का छंद है, वह भी एक प्रकार का बंधन है। मुक्त छंद का ठीक यही अर्थ नहीं होता कि बिना छंद का, मुक्त में स्वतंत्र रूप से छंदों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वह भी, उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो काव्य की सीमा ही छंद कहलाती है। चलिए प्रश्न पे आते हैं, छप्पे किस प्रकार का छंद है। छप्पे आपको बताना है यह किस प्रकार का छंद है। तो आगे हम इसके उदाहरण और इस पे कुछ और चर्चा करेंगे, सिर्फ यहां पे इतना जान लीजिए कि कौन सा छंद है, सम, विषम, अर्धसम। तो मात्रिक और वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मात्रिक और दूसरा होता है वर्णिक, ठीक है। तो ये जो है ये मात्राओं के क्रम के आधार पर होता है और यह वर्णों के क्रम के आधार पर होता है, और प्रत्येक के 3-3 भाग होते हैं, सम, विषम और अर्धसम, ठीक है। तो यहां पे ये तीनों ही उत्तर दिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक विकल्प जो होगा बी ऑप्शन होगा। यानी आपको इसमें देखना है कि यह क्या है, बी ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है विषम छंद है, विषम, ठीक है, समानता नहीं है। अब देख लेते हैं छप्पे के बारे में कुछ गुणधर्मों की चर्चा कर लेते हैं। छप्पे क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है और रोला और उल्लाला से बना हुआ है। किससे किससे, रोला और उल्लाला, रोला और उल्लाला, ये 2 महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ा हुआ है, 2 महत्वपूर्ण छंदों से जुड़ा हुआ है, इनके सम्मिलन से। इसके अंतर्गत 6 चरण होते हैं, यानी 6 चरण, 6 पंक्तियां इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। और इसमें पहले 4 चरण में रोला होता है, पहले 4 चरण में रोला होता है और अंतिम के 2 चरण में उल्लाला होता है। कुल 6 चरणों का यह छंद जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट है, पहला ही प्रश्न हमारा ऐसा है जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। प्रथम व अंतिम यानी जहां से वो शुरू हो रहा है और अंत भी उसी शब्द से होता है, और ये बिल्कुल ठीक उत्तर यहां पे विकल्पों में हमारे पास होगा, कुंडलिया, कुंडलिया, ठीक है। ये भी विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है, विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, 2 छंदों के सम्मिलन से बना हुआ है और इसमें प्रथम व अंतिम शब्द एक जैसा होता है। प्रथम यानी अगर हम देखें कुंडलिया का एक उदाहरण गिरधर कविराय का, कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरी नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता का मारे। कुल 6 चरण हैं। पहला लाठी शब्द है, यहां से ही आया हुआ है, और अंतिम भी लाठी शब्द है, यहां पर ही यह समाप्त हुआ है। तो जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी शब्द पर इसका अंत होगा, यह भी कुंडलिया की एक विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं।
कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? छंद के प्रकार के रूप में चौपाई, दोहा, सोरठा, ये तीनों ही छंद हैं। ये सममात्रिक है, ये दोनों अर्धसममात्रिक हैं, अर्धसममात्रिक हैं, और दृष्टांत होता है, ये एक अलंकार है। दृष्टांत क्या है? अलंकार है, जो हम अलंकार वाले चैप्टर में इस पे चर्चा करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर हमारे पास इन विकल्पों में से रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो मित्रों आप अपने अपने ऑप्शंस भी टिक करते रहिए इस प्रैक्टिस सेट के लिए। आप ये तो कम से कम यह जान लें कि कौन से प्रश्न हमारे ठीक लग रहे हैं, कौन से आसान है, कौन से हमारी गलतियां हो रही हैं, तो वो आपको तुलना भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम, ये जितने भी भाग हैं ये छंद को परिभाषित करने के लिए, छंद के अंतर्गत इन सब का प्रयोग होता है। गति, ठीक है, गति को हम कहते हैं टोन, सॉरी, गति को हम कहते हैं जो प्रवाह आता है काव्य को पढ़ने में, जैसे हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता, एक जब हम पढ़ रहे हैं इसको तो एक प्रवाह है, एक गति है, जहां पर हमें उसी गति में हमारे पूरे छंद के अंतर्गत कार्यप्रणाली होगी। यति क्या है? तुक और गण, तुक और गण, ये तो है बिल्कुल ठीक उत्तर, यहां पर देख लीजिए बी ऑप्शन है, इसके बाद में इसकी चर्चा करते हैं। यानी जैसे अगर कोई हम छंद पढ़ रहे हैं, कोई भी छंद, तो जहां पर विराम होता है, जहां पे कॉमा होता है, उसी जगह उसी को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ठीक है। यति को हम सामान्य अर्थों में क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। तो हर एक छंद की अपनी मात्रा होती है और अपने वर्णों या मात्रा के क्रम के आधार पर हमें उतार चढ़ाव लाने होते हैं, आरोह अवरोह लाने होते हैं, या विराम धारण करने होते हैं। तुक क्या कहते हैं? यहीं से हम देख लेते हैं। तुक, तुक को अंग्रेजी में हम कहते हैं राइमिंग। राइमिंग यानी जब भी हम कोई दोहा या सोरठा पढ़ेंगे, दोहा या सोरठा, तो दोहा या सोरठा में जो अंतिम शब्द होता है पहले चरण का और दूसरे चरण का, जो अंतिम शब्द होता है उनकी जो गति है, उनकी जो टोन है, वो एक जैसी होती है, ठीक है। उनके उनके जो ताल है वो एक जैसी होगी। गण, गण जो होते हैं वो आठ होते हैं। यमाता राज भान सलगा, यमाता राज भान सलगा, सल गा, ठीक है। तो इसमें 10 वर्ण आते हैं, ये इस सूत्र में 10 वर्ण हैं, लेकिन अंतिम जो है ल और गा, ये गणों के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए जो गण हैं उनकी संख्या 8 होती है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़, ठीक है। तो ये गण इसके अंतर्गत आ जाएंगे, हर एक वर्ण में हम गण लगा देंगे और हमें मात्राओं के क्रम प्राप्त हो जाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, ठीक है। अब आपको इसमें से देखना है कि कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प मित्रों हमारे पास बी ऑप्शन है, इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी बहुत प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? मैंने आपको बताई गणों की जो ठीक संख्या है वो क्या है? सी ऑप्शन है, यानी 8 है, ठीक है। य मा ता रा ज भा न स, ठीक है। ये कितने हो गए? 3, 3, 6 और 2, 8, और हर एक के आगे हम गण लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे? 8 गण हो जाएंगे, ठीक है। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ और नगड़, अंतिम है सगड़, ठीक है। इन्हीं के आधार पर मात्राओं का क्रम भी निर्धारित होता है। आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 7 नंबर प्रश्न, सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक मतलब जिसमें प्रत्येक चरण में, सममात्रिक का अर्थ क्या है? प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, प्रत्येक चरण में समान मात्राएं, समान मात्राएं, यानी मात्रों की संख्या एक जैसी हो, और वो है बिल्कुल ठीक चौपाई। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं इसके अंतर्गत आती हैं। दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक हैं, प्रत्येक
चरण में जो मात्राएं हैं वो 13-11 या 11-13 के क्रम में हैं, और चार चरणों में है 11-11, 13-13। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, दो चरणों में समान मात्राएं हैं, दो चरणों में असमान मात्राएं हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपको देखना है कि जिस छंद में चार चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं वो कौन सा है। पिछले वाले में ही हमने चर्चा की, इसमें चार चरण होंगे, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, और वो होगा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, चौपाई छंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। छंद शास्त्र वैदिक के आदि प्रवर्तक कौन है, वैदिक आदि के प्रवर्तक कौन है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो ए ऑप्शन होगा ब्रह्मा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मा। आगे बढ़ते हैं हम छंद शास्त्र के लौकिक छंद के सर्वप्रथम प्रयोक्ता प्रस्तोता कौन है। तो इनमें से बिल्कुल ठीक नाम आ जाएगा पिंगल मुनि। ठीक है, हम छंद को पिंगल भी कहते हैं। छंद का जो दूसरा नाम है वो क्या है, पिंगल। ठीक है, तो हम इसको पिंगल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, और इन्हीं का एक पिंगल शास्त्र है, पिंगल मुनि का ही पिंगल शास्त्र है, जहां पर छंदों के बारे में विशद विवेचन दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैदिक प्रवर्तक सबसे पहले प्रयोक्ता जो है वो ब्रह्मा है, और उसके बाद में लौकिक छंद के प्रयोक्ता या प्रस्तोता वह नाम आएगा पिंगल मुनि का। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये मित्रों जो है ये बिहारी का महत्वपूर्ण छंद है, बिहारी का, और बिहारी ने 719 या हम 713 कह लेते हैं, कहीं कहीं 713 कहीं कहीं 719 है, और उन्होंने दोहे के अलावा कुछ लिखा ही नहीं। तो अगर आपको यह पता है कि यह बिहारी का है तो भी आप आंख बंद करके टिक कर दें, क्या, दोहा, क्योंकि उन्होंने बिहारी सत्सई ग्रंथ में दोहे के अतिरिक्त किसी दूसरे छंद का प्रयोग ही नहीं किया, और इकलौता अद्वितीय एकमात्र ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया बिहारी सत्सई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जो सुमिरत सिधि होए गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और बिल्कुल ठीक उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप सभी अपने अपने जो विकल्प हैं उनको टिक कर चुके होंगे, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा विकल्प है। डी ऑप्शन है सोरठा। चलिए दोहे की और सोरठे की बात कर लेते हैं। सोरठा क्या है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है दोहे का व्युत्क्रम सोरठा है, और सोरठ दोहा जो है वो सोरठे का व्युत्क्रम है। तो इसमें चार चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जो कॉमा लगा हुआ है ये कॉमा के पहले ये पूरा एक चरण है, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ठीक है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं, पहले में अगर दोहा है, दोहे के लिए बता देते हैं। ठीक है, दोहे के लिए क्या होगा, पहले में 13 और तीसरे में 13, दूसरे में 11 और चौथे में 11-11। एक चरण में 24 मात्राएं, दूसरे चरण में 24 मात्राएं, पूरे छंद में 48 मात्राएं। ठीक है, 48 मात्राएं। अगर यही सोरठा होता, सोरठा होता तो मात्र क्या होता, क्रम बदल जाता, पहला 11, तीसरा 11, ठीक है, दूसरा 13 और चौथा 13। तो इस तरीके से पहले चरण में 24 मात्राएं, दूसरे चरण में, दूसरी जो पंक्ति है उसमें 24 मात्राएं, और पूरे छंद में 48 मात्राओं का प्रयोग होता। तो ये क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। कही हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज में। मित्रों बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से है कवित्त बरवय हरिगीतिका घनाक्षरी। तो दोहा सोरठा चौपाई बहुतायत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं,
लेकिन ये जो चार विकल्प दिए हैं ये चारों भी महत्वपूर्ण हैं। सी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, गीतिका और हरिगीतिका 26 और 28 मात्राएं इनके अंतर्गत पाई जाती हैं, गीतिका और हरिगीतिका। तो बिल्कुल ठीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। तो हमें कुछ उदाहरण अच्छे से याद कर लेने हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे सभी जो छात्र हैं, सभी मित्र हैं, वो जान लें कि रसखानी कबों इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखानी कबों इन आखिन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और बहुत अच्छा प्रश्न है, बी ऑप्शन होगा। रसखान ने भी सवैया छंद का प्रयोग किया है। रसखान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि इन मुसलमान हिंदून पर कोटिक हिंदू वारी है, मतलब कोटियों हिंदुओं को वार देने की वाली काम इन्होंने किया है। ये मुस्लिम होकर के इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का आश्रय लिया, ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा काम इन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ किया। उन्होंने कहा कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि अगर मनुष्य योनि में जन्म लेना है तो मात्र ब्रज की माटी में। तो ये महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा सवैया छंद का सबसे विस्तृत प्रयोग किया गया रसखान के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ण मात्रा गति यति, वर्ण मात्रा गति यति, तुक ताल सब की बात करेंगे तो इससे जिस रचना को नियंत्रित किया जाएगा वह छंद कहलाएगा। छंद का प्रयोग पद्य में होता है, काव्य में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम सी ऑप्शन है, चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवाह लाने के लिए छंद में पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? चाहे ठहरना कहें चाहे इसको विराम कहें, एक प्रश्न पे पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं और बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन होगा। विराम, ठहराव, रुकाव या कॉमा से संबोधित किए जाने वाले बिंदु को हम यति कहते हैं। अब आपको बताना है कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, घूम फिर करके वही प्रश्न आएंगे। दूसरे तथा चौथे में 11-11 मात्राएं, तो अगर दोहा है तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11, अगर सोरठा होता तो उल्टा हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले विकल्प हमारे पास में है, दोहा, सोरठा, कुंडलिया और रोला। तो 24-24 मात्राओं वाले दो पंक्तियों वाले छंद को कहा जाता है, बी ऑप्शन है, दोहा। ठीक है, तो ये 24-24 दोहा भी होता है, ठीक है, और सोरठा भी होगा। यहां पे दोनों विकल्प बिल्कुल ठीक होंगे, दोनों ही विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। पीछे हमने आपको पूरा क्रम बताया, तो ये बी ना होकर के ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? दशाक्षर किसे कहते हैं? 10 वर्णों के समूह को, ल और गा वर्णों को, 8 वर्गों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक होगा बी ऑप्शन। ल और गा, यानी जब हमने आपको बताया कि यमाता राजभान सलगा, तो वहां पर यमाता राजभान सलगा अंतिम दो वर्ण जिनका प्रयोग हमने किया, लघु और गुरु। ठीक है, वो लघु और गुरु के संदर्भ में प्रयुक्त हुए, ये दशाक्षर ही कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम। गणों की संख्या कितनी होती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, 8। आंख मूंद करके टिक कर लेना है कि इनकी संख्या 8 होती है। सूत्र में 10 वर्ण है लेकिन गण उसमें से 8 हैं, अंतिम दो लघु और गुरु के लिए प्रयुक्त तो होते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों में जब मात्राएं समान होंगी तो विषम, समान के लिए अर्धसम नहीं, विषम नहीं, सम का प्रयोग होगा। तो मात्रिक सम छंद या वर्णिक सम छंद, और यहां पे प्राप्त किया गया मात्रा, तो इसलिए ये मात्रिक सम छंद हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। कुंडलिनी, कुंडलिया, 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक चरण में 6 चरण होते हैं,
ठीक है, जो पहला शब्द होता है वही अंतिम शब्द होता है, प्रत्येक में 24 24 मात्राएं रखी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि 1912 भारत भारती रचना के आधार पर नाम दिया। उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? विकल्प हमारे पास में है वर्णिक एवं मात्रिक, सम एवं विषम, वर्णिक एवं सम, मात्रिक एवं सम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है साकेत। डी ऑप्शन होगा मात्रिक एवं सम छंद। चरणों की मात्रा गति यति के आधार पर किस प्रकार के छंद आते हैं? ठीक है, आपको इसमें से देखना है बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन, सम विषम और अर्धसम। मैंने आपको बताया था मात्रा यति गति के आधार पर तीन ही प्रकार के छंद आते हैं, सम विषम और अर्धसम। इसमें सम में चौपाई, विषम में कुंडलिया छप्पे, अर्धसम में दोहा सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। मैंने आपको व्युत्क्रम बता दिया 13-11 और 11-13, तो उनमें से जो व्युत्क्रम होगा वो डी सी ऑप्शन होगा सोरठा। तो शिल्प के आधार पर दोहे का उल्टा सोरठा और सोरठे का उल्टा दोहा होता है। आगे बढ़ते हैं, वसंत तलिका छंद जो कि वर्णिक है, वसंत तिलका, ये आपको देखना है, ये वर्णिक छंद है और असंगत विकल्प का चयन करेंगे। यह शकवरी जाति का वर्णिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः तगड़, भगड़, जगड़, भगड़ व अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें यति प्रत्येक चरण में होती है और बिल्कुल ठीक होगा सी ऑप्शन। इसमें जो असंगत कथन है वो होगा सी ऑप्शन। ये जो कथन दिया हुआ है ये त्रुटिपूर्ण है। इसमें शकवरी जाति का वर्णिक सम छंद होता है जिसको हम वसंत तिलका कहते हैं। प्रत्येक चरण में 14-14 वर्णों का प्रयोग होता है और प्रत्येक चरण में यति होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, मालिनी छंद इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, अतिशक्वरी। वसंत तिलका क्या है? वह शक्वरी जाति का छंद है। मालिनी छंद क्या है? वह आपको ध्यान देना है, मालिनी छंद अतिशक्वरी जाति का छंद है। आगे बढ़ेंगे हम, प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, गुरु और गुरु, ये जो हमें मात्राओं का क्रम प्राप्त होता है, गणों का क्रम प्राप्त होता है, वो हमें बी ऑप्शन यानी मंदाक्रांता छंद में हमें ये प्राप्त होता है। बी विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। जैसे है वैसे ही डिक्टो याद कर लीजिए। ये जो भी प्रश्न हम प्रयुक्त कर रहे हैं वो सारे आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ण की संख्या के आधार पर छंदों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम है वंशस्थ, मंदाक्रांता, वसंत तिलका, मालिनी, जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा इनमें से सी ऑप्शन होगा। वंशस्थ, उसके बाद मालिनी, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, यह क्रम आएगा, वसंत, वसंत तिलका, मालिनी और मंदाक्रांता। ये बिल्कुल ठीक कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो गीतिका छंद, मैंने गीतिका और हरि गीतिका दोनों की बातचीत करी थी अभी, हरि गीतिका और गीतिका। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण छंद हैं, बिल्कुल ठीक सी ऑप्शन होगा। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राओं का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम, सोरठा छंद में कुल मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद में कुल मात्राएं, तो पूरे छंद में अगर कुल मात्राओं की संख्या होगी तो 48 होगी, प्रत्येक चरण में या प्रत्येक पंक्ति में 24 होंगी। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से आप सभी को चयन करना था। आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए हुए, हरि गीतिका छंद में के संदर्भ में गलत तथ्य है। अभी गीतिका की चर्चा कराए हम, अब इसमें देखेंगे, चरण में 28 मात्राएं, 16-12 मात्राओं पर यति होती है, 5वीं 12वीं 9वीं 19वीं और 26वीं मात्रा लघु होती है, सॉरी गुरु होती है। प्रत्येक चरण में क्रमशः लघु और गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। तो पहला वाला तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 48 28 होगा, 16-12 मात्राओं पर यति होती है। सी ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है,
प्रत्येक चरण में अंत में क्रमशः लघु और गुरु मात्रा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? बहुत आसान है, बिल्कुल भ्रमित होना ही नहीं है। चौपाई 15 मात्रा होती है, चौपाई नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, बी ऑप्शन चयन कर लेंगे। कुंडलिया छंद के संदर्भ में असंगत कथन, 100% इंपॉर्टेंट, ले लीजिए इसको। जो भी परीक्षा दे रहे हो, टेट सीटेट रीट यूपीएसआई आरओआरओ टीजीटी पीजीटी, हर जगह प्रश्न इस तरह से आने हैं। यह विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक बिल्कुल ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुंडलिया छप्पे के बारे में बता करके आया हूं। दोहा और रोला छंद को मिला करके बनाया गया, रोला छंद प्रथम चरण, दोहा छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, ये इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। सी ऑप्शन होगा जो कि इसमें असंगत है, और विकल्प आपको डी बी और ए तीनों ही चुनाव करने हैं। छप्पे किसका? रोला छंद का उसमें प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर जो है रोला और उल्लाला का प्रयोग होता है, यहां पे दोहा और रोला का प्रयोग होता है, इसलिए आपको ये चयन करना है। रोला छंद होता है मात्रिक सम, मात्रिक अर्ध सम, वर्णिक सम या फिर वर्णिक अर्ध सम, ए ऑप्शन होगा मात्रिक सम। ठीक है, मात्रिक सम छंद होता है, सम मात्राएं इसमें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, किस छंद के विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राओं का प्रयोग होता है, यानी प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राओं का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में, जो बिल्कुल ठीक होगा सी ऑप्शन होगा, उल्लाला, अभी थोड़ी ही देर पहले हम चर्चा करके आए हैं, इसका प्रयोग हम जो उल्लाला के साथ में जब हम रोला को मिलाते हैं तो छप्पे निकल करके आता है, छप्पे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूं या ना कहूं, जो सीरीज में प्रश्न है, सभी परीक्षाओं से चुने हुए प्रश्नों का चयन यहां पे किया गया है। किस छंद के विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, यानी पंक्ति में 19-19 मात्राओं का प्रयोग होगा। और विकल्प हमारे पास, रोला की बात कर चुके हैं, दोहा, उल्लाला, बरवय, बिल्कुल क्या होगा? ठीक, बरवय। यहां पे 15-12 हो रहा था, यहां पे 13-11 हो रहा था, यहां पे क्या हो जाएगा? 12 और 7। ठीक है, ये सारे क्रम आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। छप्पे छंद किन छंदों के योग से बनता है, इसके बारे में तो पहले प्रश्न में भी चर्चा की थी और यहां पर भी। तो रोला और उल्लाला, ठीक है, रोला सममात्रिक है और उल्लाला इसमें जो हम चर्चा करेंगे 15 और 12। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से कवित्त छंद के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, घनानंद के द्वारा कवित्त छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया। इसमें प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, इसमें 16-15 वर्णों पर यति होती है, यति मतलब विराम होता है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। लघु और गुरु के क्रम नियम लागू नहीं होते हैं। दंडक श्रेणी का छंद है, ए ऑप्शन है। 31 मात्राएं वाला विकल्प बिल्कुल गलत है। शेष 16-15 वर्णों पर यति, गुरु लघु गुरु के नियम लागू नहीं होते हैं, दंडक श्रेणी का छंद है, ये तीनों ही कथन इस संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 8 जगड़ 1 लघु, ये कौन सा सवैया होता है? 8 जगड़ 1 लघु, ये कौन सा सवैया है? बी ऑप्शन है लवंगलता। लवंगलता जन छंद है, उसको हम लवंगलता सवैया के रूप में जानते हैं। 8 जगड़ इसमें प्रयुक्त तो होते हैं, 1 लघु के साथ में इस छंद का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। किस सवैया में 8 भगड़ का प्रयोग होता है? 8 भगड़ का प्रयोग होता है चकोर, दुर्मिल, किरीट, अरसात। चकोर, दुर्मिल, किरीट और अरसात, विकल्प होगा सी। किरीट छंद जो है, किरीट, उसमें 8 भगड़ का प्रयोग होता है। और इसके पहले वाले में हमने क्या बताया, लवंगलता में 8 जगण का प्रयोग होता है। ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। सुंदरी सवैया का लक्षण है, जो डिस्क्रिप्टेड क्लासेस हैं, जो विशेष क्लासेस हैं, अगर उनसे आपको ज्वाइन करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें।
प्रश्नोत्तरी में हम सीमित, संक्षिप्त, महत्वपूर्ण और टू द पॉइंट बात ही कर पाएंगे। सुंदरी सवैया का लक्षण है, विकल्प हमारे पास में है सात सगड़ एक लघु, सात सगड़ एक गुरु, आठ सगड़ एक लघु, आठ सगड़ एक गुरु। जब तक हम प्रश्न को पढ़ते हैं तब तक आप विकल्प चयन कर लें। आठ सगड़ और एक गुरु का प्रयोग इसमें होता है और यह क्या है, सुंदरी सवैया है। ठीक है, ये सारे ही वर्णिक छंद हैं। कौन सा छंद एक प्रकार के शब्द से आरंभ एवं समाप्त होता है, एक प्रकार के शब्द से आरंभ और समाप्त होता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता करके आया, एक लाठी वाला उदाहरण भी दिया, जो कुंडलिया है रोला और दोहे से बना हुआ है, जिससे प्रारंभ होता है उसी पे समाप्त होता है। अब यहां पर असुमेली तीन ठीक हैं, वो तीनों ही याद कर लेने हैं, बिल्कुल ठीक है सी ऑप्शन। पंक्ति में 48 मात्राएं नहीं होती हैं वर्णों की दृष्टि से, लेकिन अनुष्टुप, त्रिष्टुप और प्रकृति 32, 44 और 84 मात्राओं के साथ महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है, अर्ध सम मात्रिक छंद नहीं है, सोरठा, उल्लाला, बरवय और रोला। मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले बता दिया था डी ऑप्शन रोला, रोला है क्या, सम मात्रिक है, सम मात्रिक छंद है, रोला और चौपाई दोनों ही सम मात्रिक छंद है। सोरठा 11 13 के क्रम में, ये 15 12 के क्रम में और ये 12 और 7 के क्रम में, ठीक है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, बिल्कुल ठीक सी ऑप्शन है, वर्णिक छंद है और वंशस्थ मानेंगे इसको, वंशस्थ छंद है 51 नंबर। अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों में से, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, बी ऑप्शन होगा, बसंत तिलका होगा और बसंत तिलका के गुणधर्मों पे पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हे प्रभु आनंद दाता 100% इंपॉर्टेंट है, गीतिका हरि गीतिका की बात हम कर चुके थे, 100% इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सर्वाधिक बार पूछा गया। गीतिका में मैंने आपको बताया था 26 और हरि गीतिका में 28 मात्राओं का प्रयोग होता है, बिल्कुल ठीक ए ऑप्शन होगा, गीतिका छंद के रूप में हम इसको जानेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, तेलहु तूलहु पूछ जरी न जरी जरी लंका जरी जरी, ठीक है, लंका जराई जरी, बिल्कुल ठीक होगा। वर्णिक छंद में मदिरा सवैया, ठीक है, मदिरा सवैया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। जो वर्णिक छंद है इसके लिए हमें गणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम इसको वर्णित कर पाएंगे। दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिने सुंदरी मंदिर माही, तो जितने भी वर्णिक से प्रयुक्त प्रश्न आते हैं सारे आपके समक्ष हैं, बी ऑप्शन होगा, मालती छंद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदरी मंदिर माही, दूल्हा श्री रघुनाथ बने सबलों ललुआ मिलके रहिए मन जीवन मूरी सुनो मनमोहन। विकल्प हमारे पास में है लवंगलता, कुंदलता, अरसात और चकोर। सही उत्तर के रूप में बी विकल्प का चयन करेंगे, कुंदलता जो होगा वो इस पूरे उदाहरण में छंद के रूप में प्रयुक्त हुआ है। मित्रों आगे बढ़ेंगे कि किसको पुकारे यहां रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे हैं, मालिनी, बसंतलिका, कवित्त, हरिगीतिका और विकल्प होगा सी ऑप्शन, कवित्त का प्रयोग हुआ है। कवित्त है, जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि किसको पुकारूं या रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे, बिल्कुल ठीक सी ऑप्शन हो जाएगा कवित्त। आगे बढ़ेंगे कि चुप हुई इतना कह मुग्ध हो ब्रज विभूति विभूषण राधिका, चरण की रजले हरिबंध भी परम शांति समेत विदा हुए। और इनमें से जो विकल्प हमारे पास में है वो डी ऑप्शन है, द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग हुआ है, महत्वपूर्ण है, सभी छंदों से एक एक प्रश्न लेने का प्रयास हमने किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है कि तब तो छवि पीवत जीवत है अब सोचत लोचन जात जरे। विकल्प हमारे पास वही है, मदिरा, दुर्मिल, किरीट और अरसात, बी ऑप्शन होगा,
दुर्मिल सवैया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि तब तो छबि पीवत जीवत है अब लोच सोचत लोचन जात चरे। आगे बढ़ेंगे हम, और शब्द का लोप हो। अब ये हम आपको कुंडलिया का उदाहरण बता रहे हैं, किसका उदाहरण बता रहे हैं, कुंडलिया का उदाहरण बता रहे हैं। विकल्प यहाँ पे बी है। अब आप हम आपको यहाँ पे गुणधर्म सभी बता देते हैं कि और शब्द का लोप हो, द्वंद होवे समास, संख्यावाची प्रथम पद आता द्विग के साथ, आता द्विग के साथ कर्म में बने विशेषण। देखिये जो ये पंक्ति है यही पंक्ति यहाँ पे रिपीट है, जो ये पंक्ति है वही यहाँ पे रिपीट है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ेंगे, कर्म में बने विशेषण, अव्ययी में पहला पद होत क्रिया विशेषण, कह मिश्रा कविराय ब्रीह में पठन का नठौर, पद का नठौर, तत्पुरुष में कारक चिन्ह छिपता कहीं और। तो और से प्रारंभ हुआ और से ही समाप्त हुआ, समास को पूरी तरह से परिभाषित कर दिया है एक ही कुंडलिया में। सॉरी और बिल्कुल ठीक बी ऑप्शन हो जाएगा। बने रहे मित्रों हमारे साथ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी, साथ साथ में अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारे चैनल से आपको दिए गए जो नोटिफिकेशन है वो भी यथासमय प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी PDF प्राप्त करनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है, यहाँ संपर्क करें। हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य दोनों ही माध्यमों से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये कार्य आपको निरंतर करते रहना है। साथ साथ में अगर आप चैनल को शेयर करते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी, और भी मित्रों तक ये महत्वपूर्ण यूजफुल PDF जो प्रश्नोत्तरी है वो पहुंचाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव।